नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार में मौसम के बारे में। बिहार में इन दिनों बारिश और गर्मी दोनों जैसे हालात बने हुए हैं। प्रदेश में कई जिलों में जहां गर्मी है तो वहीं कई जिलों में बारिश जैसे भी हालात हैं। प्रदेश के लोगों को इन दिनों गर्मी के साथ साथ उमस काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश के कई जिलों में बारिश हो रही है, इसके बाद भी प्रदेश में गर्मी कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। इन दिनों प्रदेश में तापमान 42 से 44 डिग्री तक पहुंच गया है। बता दें कि पिछले 24 घंटे के दौरान 42.8 डिग्री तापमान देहरी में रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार यह बताया गया है कि आने वाले 3 दिनों में प्रदेश का तापमान 3 डिग्री तक बढ़ सकता है। प्रदेश के तापमान में बदलाव मानसून सक्रिय होने के बाद से ही देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार यह बताया गया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून उत्तर पश्चिम और पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के कुछ और हिस्सों में तेजी से आगे बढ़ रही है। मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार यह बताया गया है कि प्रदेश के पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी हवा का प्रभाव जारी है, जिसकी रफ्तार 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि चक्रवाती परिसंचरण का क्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में बना हुआ है। कहा जा रहा है कि यह टर्फ लाइन पूर्वी पश्चिम टर्फ रेखा इसी चक्रवाती परिसंचरण के क्षेत्र में नागालैंड तक बिहार, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल और असम से होकर गुजरेगी। कहा जा रहा है कि इसी मौसमी सिस्टम के कारण प्रदेश में बारिश होने का पूर्वानुमान जारी किया गया है। इधर मौसम विभाग ने भी कहा है कि प्रदेश में उत्तर पश्चिम के जिलों में बारिश होने की पूरी संभावना है। साथ ही साथ उत्तर मध्य एवं दक्षिण पूर्व के भाग में 1 से 2 स्थानों पर, उत्तर पूर्व के कुछ जिलों में गरज के साथ बारिश होने की, हल्के से मध्यम बारिश होने की पूरी जो संभावना है वो जताई गई है। बिहार में एक तरफ जहां बारिश जैसे हालात हैं तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में गर्मी से भी लोग परेशान हैं। स्थिति यह है कि दोपहर में सड़कें भी सुनसान हो जा रही है। प्रदेश के उत्तर मध्य, दक्षिण मध्य एवं दक्षिण पूर्व के भागों में 1 से 2 स्थानों पर बारिश जरूर हुई है, लेकिन इससे लोगों को गर्मी से कोई भी राहत नहीं मिली है। बारिश होने के बाद से और भी उमस बढ़ जा रही है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इधर मौसम विभाग ने भी कहा है कि आने वाले 48 घंटे में 3 डिग्री तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट में यह कहा गया है कि इस बार मानसून जो है तय समय से पहले आ सकता है। मौसम विभाग की माने तो दक्षिण पश्चिम मानसून उत्तर पश्चिम और दक्षिण मध्य बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों में, उत्तर पूर्व और उत्तर मध्य खाड़ी के शेष हिस्सों में आगे बढ़ रहा है। साथ ही साथ यह भी बताया गया है कि मानसून इन दिनों बंगाल, पूरे पूर्वोत्तर राज्य और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ चुका है। मानसून के वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह बताया जा रहा है कि बिहार में इस बार तय समय पर मानसून की दस्तक होगी। मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार 12 जून से बिहार में जो है मानसून की पहली बौछार होगी। यह भी बताया गया है कि झारखंड के रास्ते मानसून पूर्णिया में दस्तक देगी और मानसून की पहली बारिश पूर्णिया को लोगों को मिलने वाली है। तो एक तरह से कहें कि मानसून तो बिहार में तय समय पर आएगी ही, लेकिन उससे पहले जो यह आसमान से आग उगल रही गर्मी है, इससे लोगों को अभी दो चार होना पड़ेगा। बिहार और बिहार से जुड़ी भी और भी ऐसे खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।